हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। तो गाइस फिर से लेके आ चुका आपके लिए कमाल का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो आप फोटो देख रहे हो जो मेरा डिस्प्ले पे, कुछ इस तरीके से एडिटिंग सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान है गाइस। ऐसे तो दिखने में बहुत ऑसम लग रहा है, और गाइस इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। ये एक टाइप का लोगो है, और इसको मैं बस 5 से 6 मिनट में बनाना सिखा दूंगा। आप भी इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो पक्का मैं बोलता हूँ आप सीख लोगे। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का आपको एक फ़ोटो ले लेना, जैसे कि आपको पता है ये मैंने एक फ़ोटो को रिमूव करके रखा है ऑलरेडी पहले से। तो आपको ऐसे एक फ़ोटो को ले लेना है, और गाइस पूरा एडिटिंग मैं एक ऐप से करूँगा जिसका नाम है पिक्सआर्ट, जो वाकई बहुत ही अच्छा ऐप है, जो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। फ्रेंड्स अभी भी चलिए गाइस, अभी तक आप डाउनलोड नहीं किया ऐप को तो जाओ प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूँगा। चलिए चलते अपने पिक्सआर्ट पे। फ्रेंड्स, इस टाइप का आपको पिक्सल फर्स्ट बार खोलिएगा पिक्सआर्ट, तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा पिक्सआर्ट का नया लुक, क्योंकि नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो गाइस जैसे आप इंटर कीजिएगा ऐप में, तो कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा। तो आपको इस स्किप कर देना है, सबसे ऊपर वहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है, उसको स्किप कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो बीच में दिख रहा है प्लस का आइकन, इस पर आपको जैसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आएगा यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस टाइप का, तो आपको क्लिक कर देना है सबसे ऊपर जहाँ आपको लिखने को मिलेगा एडिट अ फोटो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा, तो देख सकते हो कुछ वहाँ पे लोडिंग लेगा और आपको बोला जाएगा कि आप कैसा फोटो चूज करोगे। तो भाई सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक बैकग्राउंड्स का ऑप्शन, वहाँ से आपको बैकग्राउंड्स पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरीके से। और गाइज वहाँ पे आप बैकग्राउंड्स के बगल में देख रहे हो कलरिंग्स का ऑप्शन, बहुत सारे कलर्स है, तो वहाँ से हमको एक वाइट कलर को चूज कर लेना है जो थर्ड नंबर में आपको दिख रहा है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, एक मतलब बैकग्राउंड खुल के एक ऐड आएगा, पहले तो ऐड आएगा, तो गाइज ऐड पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, जस्ट एक क्लिक करके काट दीजिएगा। ऐड को काटने को आपको वहाँ पर ले जाएगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ले आया कुछ इस तरीके से। तो गाइस फिर से जाना आपको ऐड अ फोटो पे, इस इधर आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, इधर तो आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा ऐड अ फोटो। ऐड अ फोटो पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, अपने गैलरी में आप चले जाइएगा। जैसे कि आप, मैं चला गया अपने गैलरी में, और गाइस जो भी अपने फ़ोटो का रिमूव करके रखी है फ़ोटो को बैकग्राउंड, उसको आपको ले लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता तो चले जाइएगा क्रोम पे, वहाँ सर्च कीजिएगा रिमूव बीजी, वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से अपने फोटो को बहुत ही आसान तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से गाइस देख सकते हो मैंने ऐड अ फोटो कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसको गाइस आपको ब्लैक एंड वाइट करना है, तो ब्लैक एंड वाइट टोन करने के लिए सबसे पहले आपको इधर स्क्रॉल करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। चलिए मैं आपको पेंसिल्स लगा के दिखाता हूँ, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ से आप देख सकते हो इफेक्ट्स का ऑप्शन है इफेक्ट्स, इस पर आपको जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। तो इधर जाना है कहीं सबसे लास्ट में कलर्स का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इधर थोड़ा बढ़ाना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक एंड वाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फोटो का कुछ साइज ऐसे हो जाएगा ब्लैक एंड वाइट, इस पर क्लिक करके कुछ अपने हिसाब से रख लीजिएगा जिससे आपका फ़ोटो हद तक दिखे, लुक अच्छा दिखे ब्लैक एंड वाइट का। तो मैं यहाँ तक 30 या फिर समझो 10+ आसपास रखूँगा मैं, चलो मैं 10-11 रखता हूँ, उसके बाद यहाँ से सही कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ से कुछ लोडिंग लेगा, यहाँ पे आपका फोटो फुल तरीके से रिमूव होके आ जाएगा गाइस। उसके बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा इरेज का ऑप्शन, चलिए मैं एक बार पेंसिल लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो पेंसिल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पेंसिल्स के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपने फ़ोटो को आराम से हल्का से रिमूव करना है। मैं बताता हूँ, मेरी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है गाइस, इसके लिए सॉरी, बट चल जाएगा। यहाँ से अपने साइज़ को सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और गाइस जूम करके फ़ोटो को कुछ इस तरीके से ले लेना है, मतलब ऐसा लगे कि सर्कल के टाइप से। देखो मैं ऐसे ऐसे काट रहा हूँ जैसे सर्कल हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको सही कर, यानी कि ओके कर देना है, डन कर देना है। उसके बाद गाइस देख सकते हो फोटो का ये सर्कल टाइप का हो गया, और आपको यहाँ से मतलब अपने हिसाब से साइज रख सकते हो, मेरा इतना साइज अच्छा दिख रहा है। उसके बाद गाइस फोटो को ऊपर आपको सही करके, यानी कि डन कर देना है कुछ इस तरीके से।
जैसे आप ऊपर डन कीजिएगा, तो गाइस जैसे इधर आप डन कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से इंटरफेस दे देगा। तो आपको यहाँ पे आपको इधर स्क्रॉल करके आना है कुछ इस तरीके से, आपको ड्रो वाले ऑप्शन पे जाने हैं। ड्रो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर से ड्रो पे क्लिक कर देना है। ड्रो करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख रहे हैं शेप्स का ऑप्शन, पहले ब्रश है, ब्रश के बाद इरेज है, इरेज के बाद गाइस यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देता हूँ, तो गाइस जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको सर्कल वाले को ले लेना है। सर्कल को लेने के बाद आपको फिल दे स्ट्रोक कर देना है। स्ट्रोक करने के बाद कुछ इस तरीके से, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ओके कर दिया है। और आपको गाइस यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है एक इस तरीके से सर्कल में, तो इसलिए मैं सर्कल के हिसाब से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। आप अपने हिसाब से देखिएगा पूरा सर्कल हो जाए, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद यहाँ से गाइस आपको लेफ्ट पे क्लिक कर देना, यानी कि सही कर देना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये सब होने के बाद आपको इधर से थोड़ा और आगे आना है सही करके। उसके बाद यहाँ से गाइस आपको मिलेगा टेक्स्ट का ऑप्शन। गाइस आपका जो भी चैनल का नाम है यहाँ पे चैनल का नाम डाल दीजिएगा और फोटो आपका लोगो बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। और गाइस वहाँ से आप अपना फोटोज को सेव कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस